मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा आज भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान परशुराम के दर्शन और पूजन कर प्रदेश की समृद्धि की कामना करी। भगवान परशुराम का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के समीप जानापाव में हुआ था। परशुराम जयंती के अवसर पर यहां 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के यज्ञ में पूर्णाहुति देने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम ने यज्ञ में पूर्णाहुति देने के साथ ही भगवान परशुराम के पुराने और नए मंदिर के दर्शन किए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत की एक विशेषता है, जब जब अधर्म बढ़ता है अवतारी पुरुष समय समय पर जन्म लेते हैं। ऐसे ही जनापाव की धरती पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि उज्जैन स्थित सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। भारत की एक विशेषता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तक परमात्मा की विशेष कृपा से कोई न कोई अवतारी पुरुष या देवता स्वयं अवतार लेकर के इस देश से अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर काल हर युग में हर समय उपस्थित रहते हैं और उसके प्रमाण भी दिखाई देते। जैसे हमको मालूम है भगवान राम ने महाघमंडी रावण का नाश करके धर्म की स्थापना की, भगवान कृष्ण ने कंस का नाश करके धर्म की स्थापना की, और एक बार नहीं परशुराम जी ने तो लगातार पूरे पृथ्वी से, उनकी अपनी साधना का तरीका भी बहुत अलग है। ऐसे साधक और ऐसे आज्ञाकारी पुत्र दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। आज्ञाकारी तो इतने आज्ञाकारी कि अपने पिता की आज्ञा से, उससे बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने नहीं है जो परशुराम जी ने उपस्थित किया। और साधक अपनी साधना के बलबूते पर, दुनिया में उनसे बड़ा साधक भी नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।